हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो आने वाली है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, लेकिन वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और अब जो वीडियो आएंगी वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी। इसका फ्रेम चेंज है क्योंकि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालना पड़ेंगी, इसलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आर्मेनिया में 10 यूज़फुल ऐप्स जब आप इंटर करते हो एयरपोर्ट से, उसके बाद आपको किन किन ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टैक्सी के लिए या रूम वगैरह, होटल ढूंढने के लिए, मतलब एवरीथिंग। तो सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले अगर आप आर्मेनिया एयरपोर्ट पर आते हो, आपको कोई भी बंदा लेने नहीं आने वाला है, आप खुद से आए हो। वैसे तो एजेंट के थ्रू आओगे, उसका बंदा लेने आएगा आपको। अगर आप खुद से आए हो एयरपोर्ट पर, निकलने के बाद आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है टैक्सी की। तो टैक्सी आपको बुक करना है खुद से ही, बाहर खड़ी रहती हैं बहुत, वो सब चोर हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आकर मत जाना। एप्लीकेशन डाउनलोड करना ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, उसका नाम है येंडेक्स गो। येंडेक्स गो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फिर उसको आगे का प्रोसेस कैसे होगा मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर खोल लेना है। जैसे मेरा आईफोन है मेरे पास, तो मैं ऐप स्टोर ओपन करके यहाँ पे मैं सर्च करूँगा येंडेक्स गो। हमने सर्च करा, यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगी सबसे ऊपर, जैसे ये पीला और सफ़ेद ब्लैक इसका वो है लोगो। हम इसको ओपन करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, हम डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट पर आते हैं, यहाँ सिम खरीद लें। सिम खरीदने के बाद यहाँ पर नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, नंबर डाल कर रजिस्टर करेंगे, सारी परमिशन दे देना, फिर ये आएगा इस तरह से वेयर टू गो, ठीक है। इस पर हम टैप करेंगे और यहाँ जैसे आपको जाना है, मान लो रिपब्लिक स्क्वायर पर आपका होटल है या कहीं और, जैसे मान लो मैं ये डाल देता हूँ ऊपर ही सर्च में आ रहा होटल N1, इसको मैं करता हूँ। तो ये 800 दिरहम की टैक्सी हो रही है यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ या फिर मैं मारता हूँ रिपब्लिक स्क्वायर, ठीक है। सर्च करूँगा रिपब्लिक स्क्वायर ये रेवन, तो यहाँ 700 की टैक्सी हो रही है। रिक्वेस्ट पे आप मारोगे, ये 2-3 सेकंड में कोई भी गाड़ी वाला एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये ड्राइवर रिस्पांस देगा। यहाँ पे अभी टैक्सी का नंबर वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, ये आ रही है गाड़ी वाइट टोयोटा, ठीक है, 37/584। मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, इसलिए कैंसिल कर दी मैंने। और कोई भी रीज़न दे सकते हो, रॉन्ग पिकअप लोकेशन में दे देता हूँ। तो इस तरह से वहाँ पर टैक्सी का नंबर वगैरह सारा कुछ आ जाता है। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे जब, तो वहीं पर टैक्सी आएगी, आपको कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपना लगेज उसकी गाड़ी में रखो, बैठ के चले जाओ, वो आपको होटल में छोड़ देगा जो लोकेशन आपने डाली है। 700 दिरहम इसमें दिखा रहा था, चाहे उसमें 1000 दिखाता हो, 5000 दिखाता हो, बस उतने ही पैसे लेगा वो बंदा आपसे, एक भी रुपए ज़्यादा नहीं लेगा। सारी हिस्ट्री इसमें आ जाती है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करता है तो आप यहाँ से उसकी वो निकाल सकते हो गाड़ी की, जो जो भी मैंने इसमें राइड करी है, देखो सारा कुछ आ जाएगा, चाहे कितनी भी पुरानी हो। जैसे मुझे इसकी डिटेल निकालना है तो इसका ये सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ड्राइवर, सेंड रिपोर्ट टू मेल, सारा ही कुछ इसमें हो सकता है। तो येंडेक्स से ही टैक्सी बुक करें, फ्रॉड नहीं होता है इसमें, सारी चीज़ वेरीफाइड होती है, ठीक है। तो टैक्सी मार के आप रूम में पहुंच गए या अपने हॉस्टल में या फिर होटल में, कहीं पर भी एड्रेस आपको मिल गया, ठीक है। टैक्सी से आप उतर गए, नहा धो के फ्रेश हो गए। अब आपको चाहिए क्या है, खाना। तो खाना आपको पता तो है नहीं यहाँ पर क्या चीज़ खाएंगे, अगर आप मुस्लिम हो तो यहाँ हलाल फूड ना के बराबर मिलते हैं। तो आपको ऑर्डर करना है ऑनलाइन, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इंडिया में जोमेटो और स्विगी चलता है, यहाँ पर चलता है येंडेक्स ईट्स एंड ग्लोबो। तो येंडेक्स ईट्स एंड ग्लोबो दोनों एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम अपना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर खोल लेंगे, यहाँ पर हमें सर्च करना है येंडेक्स ईट्स, ये एप्लीकेशन आ जाएगी सामने, सर्कल जलेबी जैसा इसका सिंबल है या फिर ग्लोबो। तो मैं येंडेक्स ईट्स करता हूँ इंस्टॉल, और ये नीचे मेन्यू भी है, ये भी एप्लीकेशन जो है खाना वगैरह ही बुक करने के लिए है। डोडो, ये भी यहाँ पे चलती है एप्लीकेशन, तो येंडेक्स ज़्यादा चलती है, मैं इसको
ओपन करता हूँ, डाउनलोड हो गई है। यहाँ पे हमें अपना नंबर डालना है, ये सारी परमिशन दे देना हमें, सिलेक्ट रेस्टोरेंट, एंड मेरा अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, ठीक है, तो मैं इसी पे चूज़ कराऊँगा, नहीं तो यहाँ नंबर डालने का आएगा, आप नंबर डाल के रजिस्टर करोगे, ओटीपी आएगा और ये इस तरह से खुल जाएगी, ठीक है। अलाउ बंस करेंगे और डन, ये मेरा एड्रेस है, आप जिस रूम में रुके होगे वहाँ पर आ जाएगा। तो ये है सारा कुछ, इसमें सामने आ जाएगा, आपको कुछ भी मंगाना है जैसे रेस्टोरेंट सिलेक्ट करना है या फिर यहाँ से कोई भी फूड, जैसे बर्गर में देखता हूँ तो यहाँ पे बर्गर ये आ जाएगा, KFC का या ब्लैक स्टार बर्गर या बर्गर किंग वगैरह, ये सारे कंपनी आ जाती हैं। जैसे मैं KFC का खोलता हूँ तो यहाँ पे कैटेगरी आ जाएंगी, ठीक है। इसमें से आपको जो भी कुछ मंगाना है, 500 दिरहम में कोको कोला 500 ml मिल रही है, मतलब इंडिया के 100 रुपये, फ्री डिलीवरी फ्रॉम 1000 दिरहम 25 से 30 मिनट में, मतलब पहला ऑर्डर फ्री है। जैसे कि मानो मैं इसी पर क्लिक करके और ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गया, अब मैं ऑर्डर पर मारूँगा, ये ऑर्डर लग जाएगा मेरे एड्रेस पे। तो मुझे कुछ मंगाना नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप खाना मंगा सकते हो। तो खाना वाना खा के सारा कुछ कर लिया, अब बैठे हैं बेले, तो कहीं जाना है घूमने। टैक्सी पता है कैसे बुक करना है, पैसे नहीं है इतने ज़्यादा कि टैक्सी से घूम सको, उसका तरीका है बस से कैसे घूम सकें, बस से कैसे घूम सकते हैं, बहुत ही कम में 20 रुपये लगते हैं इंडिया के पूरे यरेवन में कहीं भी जाओ। तो उसके लिए एक ऐप आती है येंडेक्स मैप, और उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो सारे बताता हूँ अभी। तो आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर डालना है येंडेक्स मैप, ठीक है। ये इस तरह से रेड कलर का सिंबल होगा, येंडेक्स नेविगेशन, ये अगर डिलीवरी का काम करते हो तब इस्तेमाल करोगे तो अच्छा है, या बाइक वगैरह चलाते हो या टैक्सी। तो येंडेक्स मैप मैं इसको ओपन करता हूँ, मेरे में इंस्टॉल था पहले से ही, क्योंकि इसका ये यूज़ यहाँ पे ज़्यादा होता है, डेली आना जाना रहता है मुझे। इस तरह से आएगा, इसमें नंबर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परमिशन दे देना आप, बाकी खाली नाम वगैरह डाला है, नंबर मांगेगा तो दे देना। अब आपको ट्रांसपोर्ट पर मारना, ये बस का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, और ये सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ से। अभी मान लो आपको यहाँ से जाना है सासूंसी दावित मेट्रो स्टेशन, सासूंसी दावित, ठीक है, इस पर मैं टच करूँगा तो ये आ जाएगा, डायरेक्शन पर मारेंगे तो ये सारी बसेस आ जाएंगी, देखो इतनी सारी बस यहाँ से जाएंगी, मेट्रो भी जाती है यहाँ से 1.5 किलोमीटर, ये जो दिखा रहा है रास्ता, ये पैदल जाने के लिए यहाँ से मेट्रो मिल जाएगी। मेट्रो की भी वीडियो बना दूंगा, एक आध दिन टाइम मिलेगा जब, मेट्रो में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है ना, इसलिए वैसे ही समझा दूंगा कैसे सफ़र कर सकते हैं। इसका भी 20 रुपये लगते हैं, आप कहीं से भी कहीं जाओ। तो जैसे मुझे 33 नंबर बस से जाना है, 33 नंबर बस जाती है, 18 जाएगी और 18 जाएगी मेट्रो स्टेशन तक, इतना अगर पैदल नहीं चलना है तो 18 से जा सकते हो। तो जैसे 33 पे कहाँ से कहाँ से, तो यहाँ जो पैदल वाला रास्ता जो दिख रहा है, ये नीले कलर के जो डॉट दिख रहे हैं, यहाँ से आप पैदल जाओगे, यहाँ बस स्टॉप पर खड़े रहो, 33 नंबर जैसे ही बस आएगी इधर जाना है आपको, राइट साइड में इस साइड खड़े हो जाओ, 18 नंबर में बस में बैठोगे, 100 दिरहम का सिक्का उसको दे दो। ये जो हरी हरी बिंदी दिख रही है, ये सारी बसेस हैं, आप ट्रैक कर सकते हो कौन सी बस कहाँ है। जैसे 33 नंबर से जाना है मुझे, तो मैं देख लेता हूँ कितनी देर में आएगी मेरे स्टॉप पर। 33 नंबर मैंने ये सर्च करी, इसका ये पूरा रूट है, लेकिन ये बस बंद हो चुकी है अभी, ये बस का टाइमिंग देखना है, 100 टाइम पे हम टैप करेंगे, एवरी 56 मिनट में मिलेगी ये, सुबह 9 बजे से 9:15 से रात के 11:15 तक, ठीक है। बाकी कोई और बस देख लेते हैं, जैसे 35 नंबर हम देख लेते हैं जो अभी चलती होगी, 33 नंबर जो है आउट एरियो में जाती है इसलिए बंद हो जाती है, जैसे ये है। तो मुझे बस पकड़ना है मान लो इस वाले स्टॉप से, तो मैं यहाँ खड़ा हुआ, अब जो बस आ रही है 35 नंबर, तो ये अगला स्टॉप ये यहीं रुकेगी आके, तो आप इस बस में बैठ सकते हो। इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो, अगर ये छूट गई तो ये देख सकते हो, ये भी इधर ही आ रही है, 10-15 मिनट में आपके स्टॉप पर पहुँच जाएगी, ये दूर जा रही है। तो इस तरह से आप बस से घूम सकते हो, बाकी आप यहाँ से भी टैक्सी बुक कर सकते हो, जैसे मैं सासूंसी दावित मेट्रो स्टेशन जाऊँगा टैक्सी से, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ये आ रहा कार का ऑप्शन, ये 1100 रुपये में राइड हो रही है, चूज़ अ सर्विस क्लास, ये इसका पूरा। बाकी यहाँ से आप
कोई भी लोकेशन डालो सारे एरिया के नाम दिखा देता है इस वाले मैप में, जैसे सेंगावित है ये एरिया, ये एरेबुनी है, नूर मरास, ठीक है, बाकी मलातिया, सबास्तिया, जोबनी, सारा कुछ इसमें आ जाता है जो जो एरियाज हैं ये एरेबन में। काफ़ी इसका काम है, इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें अगर आर्मेनिया आ रहे हो तो, एयरपोर्ट पर ही कर लें, क्योंकि आप जब अपने होटल में पहुंचोगे तो इससे आप अपनी लोकेशन देख सकते हो, इसमें नंबर वगैरह भी आ जाते हैं। देखो 10x4 मेरे जो घर का नंबर है जहाँ मैं रहता हूँ, इसके बराबर में 12 है, 10 है, 6 है, 10x1 है, तो इस तरह से आप अपने होटल का भी एड्रेस देख सकते हो। तो सारा कुछ करने के बाद घूम घाम के अब आ गए आप रूम पे। अब आपको सामान ख़रीदना है, ग्रोसरीज का सामान या कुछ भी, एवरीथिंग, तो आपको चाहिए सुपरमार्केट या कोई भी मार्केट, वो कैसे देखोगे? उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी येरेवन सिटी ऐप की, उसमें सारा कुछ आ जाता है कहाँ से क्या सामान ख़रीदना है, पूरी येरेवन सिटी उसमें आ जाती है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, दिखाता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है आपको। अपना प्ले स्टोर आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको डालना है येरेवन सिटी, ऊपर ही आ जाएगी ये एप्लीकेशन। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, तो इस डाउनलोड हो गई है, इसको हम अभी ओपन करते हैं। मैंने भी इसको यूज़ नहीं कराया, देखता हूँ इसमें नंबर वगैरह मांगते हैं या नहीं, तो परमिशन दे देंगे हम सारी जो भी मांग रहे हैं ये। इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे हम, चूज़, नंबर मांग रहे हैं, नंबर डाल देता हूँ मैं, 8 डिजिट का नंबर होता है आर्मेनिया में। नेक्स्ट करेंगे, कोड आएगा इसमें 4 डिजिट का, 6 डिजिट का आया, 67 67 83। तो इसको साइन इन करेंगे, साइन इन एंड कार्ड नंबर, मेरे पास कार्ड नहीं है, तो साइन इन नाम वगैरह डालता हूँ मैं अपना। तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ अजनबी, सरनेम मैं डालता हूँ अपना अजनबी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं ऐसे ही कुछ भी, डन, जेंडर मेल, और ईमेल कुछ भी डाल दो उल्टी सीधी .com, ओके। यहाँ पे अपना एड्रेस देंगे, सॉरी सम टाइम वांट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। कोई प्रॉब्लम है, आप इसको साइन इन करके और अपना एड्रेस वगैरह डाल देंगे यहाँ। तो मेरे में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसीलिए इसमें एड्रेस फिल नहीं हो रहा, देखो समथिंग वांट रॉन्ग लिख कर आ रहा है, इसमें भी देख सकते हो, नहीं तो आप गूगल मैप में जाकर और यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ग्रोसरीज़ का, देखो सामने ये आ रहा है ग्रोसरीज़ का, आपके आसपास में जो भी सुपरमार्केट होंगी वो सारी यहाँ दिख जाएंगी। तो इस तरह से भी देख सकते हो आप, कुछ भी सामान ख़रीदना हो ये शॉप्स हैं आसपास में, जैसे मेरे मुसलीर है या मुसलीर ऐसे येरेवन सिटी सुपरमार्केट, इस तरह से आप विज़िट कर सकते हो। तो आप सुपरमार्केट तो देख ली कहाँ पर है, अब उस पर जाने के लिए अगर बस से नहीं जाना है आपको, टैक्सी से नहीं जाना है, तो यहाँ पर वो चलती है ई बाइक, जो छोटे छोटे पहिए होते हैं उसको कैसे चलाएंगे, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी जेट एप्लीकेशन की। तो उसमें आपको अपना कार्ड लगाना पड़ेगा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो उससे आप उसे चला सकते हो, किलोमीटर के हिसाब से उसमें पैसे कट जाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, इसको हम ओपन करते हैं जेट और परमिशन दे देंगे अलाउ, लेट्स गो, फिर से परमिशन दे देंगे, यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, ये रसिया का, तो यहाँ से हम आर्मेनिया सिलेक्ट कर लेंगे। मैं अपना नंबर डाल देता हूँ 65, यहाँ पे एक OTP आएगा, राइट, ये नंबर मेरा सही है 4 डिजिट का OTP है इसमें, 72 29, ये मैंने डाल दिया OTP, और अलाउ ट्रैकिंग कर देते हैं। यहाँ पे कार्ड मांगेगा, अगर आपके पास कोई सा भी कार्ड है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, वो आप यहाँ पे डालोगे कुछ भी, तो लेटर कर देता हूँ मैं, मेरे पास कार्ड नहीं है। कार्ड डालने के बाद आप
यहाँ स्कैनर पर जब क्लिक करोगे तो ई बाइक में जो है स्कैनर कोड रहता है, वो स्कैन हो जाएगा फिर वो एक्टिव हो जाएगी। जब आप उसको चलाओगे जितने भी किलोमीटर चलाए गए आप वहीं खड़ी कर दो जहाँ पे आपको उतरना है, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, कहीं उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सुपरमार्केट जाना है तो आप वहाँ पहुँच के उसको खड़ा कर दो और लॉग आउट मार दो, यहाँ ऑप्शन आ जाता है। फिर आप सामान खरीद के अगर फिर से उसी से जाना, अगर खड़ी है बाहर, नहीं तो कोई और ले गया तो ले गया, नहीं तो आप पैदल आ सकते हो या मैंने बस से तरीका बताया, बस से भी आ सकते हो। तो इस तरह से आप ई बाइक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सुपरमार्केट में पहुंच गए, सामान ख़रीद लिया, आपके पास कैश नहीं है या आपका अकाउंट है तो आप चाहो तो टेल सेल वैलेट यहाँ पर बना सकते हो। एक आईद्रम जो है जैसे अपने इंडिया में पेटीएम या फ़ोनपे वगैरह चलता है, उस तरह का यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, तो उन दोनों में से कोई सी एप्लीकेशन में आप रजिस्टर करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो उसका अकाउंट क्रिएट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, या तो फिर आपको आईद्रम के ऑफिस में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद से भी करके देख सकते हो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो पासपोर्ट लेके जाओ आपका, वहाँ पे बन जाएगा। यहाँ सर्च करोगे आईद्रम, ऊपर ही आ गया देखो, तो इस तरह की एप्लीकेशन होती है आईद्रम एंड आईडी बैंक। आईडी बैंक से मतलब कोलैब करके इन्होंने ये बनाया है, तो इसको ओपन कर लूँगा, मेरे में है पहले से ही, एक्टिव नहीं है, मैंने इसकी आईडी वगैरह नहीं बनवाई है। आप आईद्रम के ऑफिस में जाओ, इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स गो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सब एक स्किप कर दूंगा, मैं नंबर डालता हूँ अपना, नेक्स्ट, पासवर्ड टाइप कर लेते हैं, पासवर्ड बन गया, स्ट्रॉन्ग मांग रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बना दिया, कंफर्म, ओटीपी आ गया, कंफर्म करेंगे, पिन सिलेक्ट करने को बोल लिया है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा इंडियन नंबर है, वही पिन रजिस्टर सक्सेसफुल, स्किप कर देता हूँ। फेस आईडी मेरे मोबाइल में एक लॉगिन नहीं है, मतलब फेस आईडी मेरी काम नहीं करती। ऐड टू वैलेट मे बी लेटर, ठीक है, इस तरह से ये कुछ बन जाएगा, इसको हम वेरीफाई करेंगे, अपग्रेड टू स्टेटस, ठीक है। तो हमें जाना पड़ेगा आईद्रम के ऑफिस में, ऑफिस में जाओगे आप पासपोर्ट लेके तो वो आपका बना देंगे। यहाँ पर एएमडी, यहाँ पर आपके वॉलेट में पैसे शो होंगे, स्कैन करके आप किसी भी दुकान पे या कहीं जो भी सामान खरीद रहे हो आप वहाँ पे कर सकते हो। इंडिया पैसे नहीं भेज सकते इससे, ये लोकल के लिए, यहीं पर आप छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कर सकते हो इससे। सारा कुछ करने के बाद सामान खरीद लिया, अब हो गए आपके पास पैसे ख़त्म, अब क्या करना है, या फिर आपको कुछ ख़रीदना है पुराना सामान, तो यहाँ पर सबसे अच्छी ऐप चलती है एक list.am, मोबाइल या जॉब वगैरह आपको ढूंढना है, अगर आपको जॉब करना है यहाँ पे तो list.am पे आपको जॉब, घर रेंट पे अगर रूम चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको, मोबाइल चार्जर घड़ी, मतलब एवरीथिंग, जैसे इंडिया में ओलेक्स चलता है इसी तरह से list.am। मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हम बात कर सकते हैं जो चीज़ हमें ख़रीदना है। तो हम अपना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ हम डालेंगे list.am, ये एप्लीकेशन आ जाएगी, इसका सिंबल कुछ इस तरह का होगा, देखो ये लाल पीला नीला, ओपन करेंगे, नंबर मांगेगा इसमें अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर कर लेना, तो इस तरह से ये कुछ दिखेगा, ये आपका अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। आप चाहो तो इसमें कार्ड वार्ड भी ऐड कर सकते हो। होम पे आते हैं, यहाँ आप ये देखो अपार्टमेंट अगर चाहिए आपको 4.5 लाख में, $86,000 में खुद का ख़रीद सकते हो, 4 रूम अपार्टमेंट इन न्यू बिल्डिंग, मतलब रेंट पे चाहिए आपको तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जैसे मुझे ये चाहिए, ये अर्जेंट में, ये मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स इसमें पड़ी रहती है, नंबर भी रहता है, ये कॉल करोगे नंबर आ जाएगा। पुराना मोबाइल चाहिए 15 प्रो मैक्स, देखो मैं सर्च करता हूँ तो ये आ जाएगा, आप यहाँ से आप फ़ोन पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़ ये सारे फिल्टर लगा सकते हो, या फिर एयरपोर्ट्स चाहिए आपको जैसे, तो ये आ जाएंगे इसमें सारे ओरिजिनल, जैसे मान लो मुझे ये चाहिए Airpods 3, इसको आप कॉपी करके पढ़ सकते हो, सो मोर,
प्राइस ये है, ये लोकेशन है, ये रेवन अरब कीर, ये यहाँ से मैसेज कर सकते हो आप, इससे कॉल कर सकते हो, मतलब कुछ भी। अगर मान लो आपको जॉब चाहिए, जॉब्स हम सर्च करेंगे तो इस तरह की जॉब आएगी। देखो ये कंस्ट्रक्शन की है, स्टीव जॉब्स बाय वाल्टर, ये सब हैं। कार अगर आपको चाहिए, टैक्सी, तो यहाँ सर्च करेंगे हम टैक्सी, ये आएगी। देखो 5,000 दिरहम पर डे, बाकी ये नंबर है। अब आपने जिन जिन को मैसेज करें तो यहाँ से आप देख सकते हो सारे मैसेज और उनके रिप्लाई भी दे सकते हो। जैसे ये बैक हो जाएगा, तो यहाँ से इस तरह से आप यहाँ, बाकी हॉस्टल वगैरह आपको चाहिए तो यहाँ से आप हॉस्टल डालो, हॉस्टल इसमें आ जाएगा। देखो ये हॉस्टल है, 1500 दिरहम पर डे के हिसाब से यहाँ आपको मिल जाएगा, 2000 दिरहम पर डे के हिसाब से मिल जाएगा, 45,000 मंथली रेंट है, हैं इस तरह से रूम वगैरह भी मिल जाते हैं। काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है, आप इससे कुछ भी ट्राई कर सकते हो। जॉब, कार, स्कूटी चाहिए आपको, देखो मोपेड ये आएगी। देखो 2500 डेली रेंट पे मिल रही है जी, ये भी 2500 2500 3500 दिरहम पर डे रेंट। तो इस तरह से आप इनसे बात कर सकते हो, इनकी लोकेशन देख सकते हो, ये सारा कुछ पढ़ सकते हो आप। अगर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने में या ट्रांसलेशन करने में दिक्कत हो रही, तो उसके लिए एक ऐप आती है, अभी आगे बताता हूँ मैं आपको। तो ये थी, काफ़ी अच्छी ऐप है, इसका इस्तेमाल करो। और यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहो तो गूगल ट्रांसलेट का ऐप जो है आता है, गूगल ट्रांसलेट, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो अच्छी जो ट्रांसलेशन करते हैं अर्मेनियन लैंग्वेज में, वो यहाँ पे ऐप चलता है, इंडेक्स ट्रांसलेशन ऐप चलता है, उसका इस्तेमाल करोगे तो आप अच्छे से आप हिंदी को अर्मेनियन लैंग्वेज में या रशियन में कन्वर्ट कर सकते हो। और किसी से सामान ख़रीदना है तो आप उसको दिखा सकते हो, उसमें बोल के लिख के आ जाता है। हम अपना ऐप स्टोर या प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ हम सर्च करेंगे ये इंडेक्स ट्रांसलेटर, ठीक है, सर्च करते ये ऊपर आ जाएगा, ये इंडेक्स ट्रांसलेट, डाउनलोड करते हैं इसको। चाहो तो आप गूगल ट्रांसलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये स्पेशली यहाँ के लिए बनाया गया है, तो इससे कुछ अच्छा ही आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ओपन करेंगे और अलाउ, रशियन है देखो ये, यहाँ पर सारी लैंग्वेज सिलेक्ट करके, बाकी इसमें कैमरे का ऑप्शन भी आता है, फ़ोटो से भी आप कर सकते हो, दुकान वगैरह का नाम जानना है अगर आपको, ऑफलाइन भी यहाँ से आप डाउनलोड कर लो लैंग्वेजेस सारी, ये ऐप ऑफलाइन भी चल जाती है। बाकी ये बोलने का है, ठीक है, टेक्स्ट का है, हिस्ट्री, फ़ोटो, फेवरेट में सिलेक्ट कर सकते हो आप, गूगल ट्रांसलेट की तरह ये। तो ऑफलाइन मोड इसको इनेबल कर दोगे आप, डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। अगर आप डिलीवरी बॉय के काम में आए हो तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, येंडेक्स प्रो, अगर आप येंडेक्स में काम कर रहे हो, करना है आपको तो। और अगर आप ग्लोबो में या मेन्यू या कोई अदर कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करना चाहते हो तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। जैसे येंडेक्स का ज़्यादा चलता है इसमें, इंडियन येंडेक्स कंपनी में ज़्यादा काम करते हैं, तो येंडेक्स प्रो करके एप्लीकेशन आती है। अगर आप अभी डाउनलोड करोगे उसको तो नहीं होगी वो डाउनलोड, क्योंकि उसमें आपको कंट्री चेंज करना पड़ेगी। अगर आपके पास आईफोन है तो आप अपने ऐप स्टोर में जाके वहाँ से रीजन चेंज कर सकते हो, अर्मेनिया सेलेक्ट करोगे तब येंडेक्स प्रो ऐप आ जाएगी सर्च में। नहीं तो अगर एंड्रॉयड है तो आप दूसरा ईमेल क्रिएट करो, इधर का अर्मेनियन नंबर डाल के फिर आप सर्च करोगे, येंडेक्स प्रो ऐप आ जाएगी। तो उसमें रजिस्टर करने के लिए आपको येंडेक्स ऑफिस जाना पड़ेगा, वो लोग आपकी आईडी ओपन करेंगे, फिर आप उससे काम कर सकते हो। दिखाता हूँ मैं वो एप्लीकेशन कैसी होती है और ऑनलाइन वगैरह कैसे जाते हैं। येंडेक्स प्रो इस तरह की एप्लीकेशन होती है, ये अपडेट लिख कर आ रहा है जो, और इसकी येंडेक्स नेविगेशन की। तो येंडेक्स प्रो जब आपको डाउनलोड आप सर्च करोगे आपके उसमें नहीं आएगी, तो आप अपना रीजन चेंज करो, आईफोन है अगर
तो इसमें जाके अर्मेनिया सिलेक्ट करो या फिर नई जीमेल क्रिएट कर लो। तो इस तरह की ऐप होती है, जैसे ओपन होने में काफ़ी टाइम लेती। अगर आप डिलीवरी का काम करने आ रहे हो तो अच्छा मोबाइल लेके आओ, जिसकी रैम वगैरह अच्छी हो, क्योंकि यह ऐप बहुत हैवी होती है, 250-300 MB की। ये खुल जाएगी, यहाँ पे मैं मारता हूँ। मैंने फ़ोटो वगैरह अपडेट नहीं कर रखा है, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत दिन से करा ही नहीं है, जब से आईडी खुला है। 1000 दिरहम पड़े हुए हैं मेरे, बाकी ये सेल्फी मुझे देना पड़ेगी, दूंगा ही नहीं क्योंकि मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ इसमें। यहाँ से आप ऊपर करोगे, ये न्यू मैसेज, बाकी वार्निंग वगैरह आए, देखो सेल्फी चेक, तो ये सब चीज़ आप फिल कर देना अपनी। अगर चालू है, अब मैं गेट ट्रिप पर मारूंगा रिक्वेस्ट, सेल्फी दूंगा तब जो चालू हो जाएगी। दही देता हूँ मैं, तो सेल्फी मैंने दे दी, इसको सबमिट करूँगा। फोटो सेंड ऑप्शन आ गया, देखो अभी 5-10 मिनट में जो अपने आप अपडेट हो जाएगा। फिर मैं इस गेट ट्रिप पे मारोगे आप, ऑनलाइन चले जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ये प्रोसेसिंग में है, देखता हूँ हो गया नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है फिलहाल। इस पे मारोगे आप तो ऑनलाइन चले जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑफलाइन का, तब आप ऑफलाइन जा सकते हो। जो भी कमाई करोगे आप, यहाँ आ जाएगा 2 डे अर्निंग, या 2-3 दिन की जितनी भी अर्निंग है वो सारी यहाँ आ जाएगी। जो आपका टोटल बैलेंस होगा वो यहाँ आ जाएगा, और जो आप काम करोगे वो सर्विस टैक्स वगैरह सब यहाँ दिख जाएगा आपको, फीस एंड कमीशन ऑलरेडी, तो यहाँ पे सारा कुछ आ जाता है। ग्लोबो में, ग्लोबो की एप्लीकेशन आती होगी, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। बाकी किसी दिन एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, कल परसों में जाके, ये कैसे ऑर्डर उठाना, कैसे छोड़ के आना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिलीवरी बॉय के काम में ही बंदे ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ, तो प्रॉब्लम होती है बहुत। और स्कूटी वगैरह कैसे चलाते हैं यहाँ पे, उसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इंडिया से काफ़ी अलग हैं यहाँ के रूल। तो ये थी कुछ 9-10 एप्लीकेशन जो काफ़ी यूज़फुल हैं आर्मेनिया के। अगर आप आर्मेनिया में आके कुछ करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, या फिर घूमने आए हो, तो ये सारी एप्लीकेशन आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप आर्मेनिया आए हो तो एयरपोर्ट पर ही सिम खरीद लो, 4500 या 5000 दिरहम की मिल जाती है, अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड कॉल, नेशनल कॉल। बाकी बहुत ज़्यादा पार्ट में ये वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे इस टाइम, काम बहुत ज़्यादा मेरे पास है, काफ़ी सारे बंदों को मैं काम पर भी लगवा चुका हूँ। मैं ब्रोकर मनी किसी से भी नहीं लेता हूँ, दिहाड़ी वगैरह मेरे पास आती रहती हैं तो इधर उधर भेज देता हूँ। आज भी मैं काम पर ही आया हूँ और एक भाई को साथ लाया हूँ, वो बैठे हैं। तो अब वैसे मैं जॉब वगैरह नहीं लगवाता हूँ किसी की भी, ब्रोकर मनी लेके इधर उधर जो एजेंट जो काम लगवाते हैं, मैं उनसे कभी भी किसी का काम नहीं लगवाता हूँ। जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, जहाँ तक मेरी जान पहचान है, वहीं लगवा देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो मैं डालूँगा कि वीज़ा कितने टाइप के होते हैं, आर्मेनिया कौन से वीज़ा पे आना सबसे अच्छा रहेगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आने वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मतलब अभी इसके बाद जो वीडियोस डालूंगा वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी, TRC के फ़ायदे। TRC इस टाइम बन नहीं रही है आर्मेनिया में बिल्कुल भी, तो पैसे अपने वेस्ट ना करें किसी को भी दे के, और TRC के चक्कर में जॉब पर भी ना लगें। यही सारा कुछ बताऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।